रुक करेंगे अगली खबर का, जहां धार जिले के मनावर में शौर्य संचलन के दौरान पथराव करने वाले मुख्य आरोपी के अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इस दौरान मकान से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी हथियार को जब्त कर लिया है। दरअसल 23 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नगर में शौर्य संचलन निकाला था। इस दौरान भीड़ पर शरारती तत्वों ने पथराव किया था, साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद आरोपियों को चिन्हित करते हुए पुलिस ने 3 FIR दर्ज की। जांच में जिस मकान से पथराव हुआ था वो वैध निकला, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। जिन जिन आरोपियों के नाम आए हैं और जिन्हें चिन्हित किया गया, उनके बाकी की अवैध गतिविधियों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। उसमें ये जो मकान है खलील खत्री का, इसमें भी जो उपद्रवी थे वो इसी में निवास करते थे, और इनके द्वारा रोड के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी, और यहाँ पर एक सामने का मकान है उस पर भी पत्थरबाजी की गई थी। इस मकान के सारे दस्तावेजों को देखा गया तो पूरा मकान अवैध था, कृषि भूमि पे बना था, कहीं कोई परमिशन नहीं थी, ना किसी तरह का डायवर्शन था। तो पुलिस प्रशासन नगर पालिका की एक संयुक्त कार्रवाई के तहत SP सर और कलेक्टर सर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो शौर्य संचलन पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की थी, जिसमें जांच में जिस मकान से पथराव होना बताया गया वो वैध निकला, जिस पर बुलडोजर चलाए गए, मकान से हथियार भी बरामद हुए हैं, अवैध हथियार बताए जा रहे हैं, और पुलिस ने हथियारों को जब्त कर लिया है और मकान को ध्वस्त कर दिया गया है।